झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित एनसीसी स्काउट और सुरक्षा बलों के द्वारा आसमान में लहराते तिरंगे को सलामी दी गई। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा की घटना को याद करते हुए कहा कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, किसी को भी हिंसा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वह संविधान की गरिमा को बनाए रखें और ऐसा काम न करें जिससे राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो। आज लोहरदगा की घटना से अधिकारों के तहत अपनी बात रखें, सभी को अपना धर्म, संप्रदाय, भाषा, परंपरा और संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का अधिकार संविधान देता है। किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वे संविधान को चुनौती दे। हिंसा के अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती। सभी गर्व और संप्रदाय, सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों से मेरी अपील है और हिदायत है कि वे राज्य की कानून व्यवस्था के किसी भी प्रकार की समस्या ना खड़ा करें। ऐसा करने वाले के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी।